फ्रेंड्स, मैं अनीता अग्निहोत्री अपने चैनल ट्रिपल एडी लाइफ्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे वेज चाउमीन। पर उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल एडी लाइफ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले। तो आइए फ्रेंड्स, वेज चाउमीन बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है हम देख लेते हैं। नूडल्स, प्याज, हरी प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, नमक स्वाद अनुसार, पनीर, हरी मटर, पनीर और हरी मटर ऑप्शनल है, और तेल। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। हम फ्रेंड्स, सारा चाउमीन जो भी मैंने भी आपको दिखाया हम एक साथ पूरा नहीं बनाएंगे, हम उसको 2 पार्ट में बनाएंगे। थोड़ा सा बस ऑयल गर्म हो जाने देंगे हम पहले। ऑयल गर्म हो गया है फ्रेंड्स, अब इसमें से हम 1/2 प्याज पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हम 2 पार्ट में बनाएंगे इसीलिए हम उसी हिसाब से इसमें क्वांटिटी रखे हैं। ये देखिए तेज गैस पे बस 2 मिनट के लिए हम प्याज को सॉटे करेंगे। फिर चाउमीन हो गया या पास्ता या इस टाइप से जो भी हम चाइनीज बनाते हैं तो उसमें हमें सब्जियों को बहुत ज्यादा पकाना नहीं होता है, तेज गैस पे बस 2 से 3 मिनट तक हमें उसे पकाना होता है ताकि सब्जी में थोड़ा सा क्रंच बना रहे। ये देखिए 2-3 मिनट प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद में अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सबसे पहले शिमला मिर्च हम इसमें डालेंगे। ये आप देख रहे होंगे मैं सारी सब्जियां एक साथ नहीं पूरी डालूंगी, 1/2-1/2 करके हम डाल रहे हैं। शिमला मिर्च डालकर इसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सॉटे करेंगे। मिनट के बाद में अब हम इसमें ये गाजर ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी मटर डालेंगे हम। गैस को हमें तेजी रखना है, फिर से हम इसको 2-3 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। देखिए अब गैस को थोड़ा सा हम धीमे करेंगे और इसमें हम थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डालेंगे, थोड़ी सी हम इसमें पत्ता गोभी डालेंगे, इसको एक बार फिर हिलाएंगे हम। अब इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, नमक भी हम बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि ऑलरेडी अभी जो हम इसमें सॉस ऐड करेंगे उसमें भी नमक होगा। गैस को तेज करेंगे हम। अब हम इसमें चाउमीन ऐड करेंगे। ये आधा चाउमीन इसमें डाल लिया है, इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब इसमें साथ ही साथ हम विनेगर और सोया सॉस ऐड करेंगे। चम्मच विनेगर डालेंगे हम। हाँ। 1 चम्मच के करीब सोया सॉस। थोड़ी सी हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे।
इसको तेज गैस पे हम अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वेज चाउमीन बन के रेडी हो गया। मैं इस तरह से, मैंने दो स्पून, थोड़े बड़े स्पून लिए थे, उसकी मदद से हमने इसको अच्छे से मिलाया है। अब हम गैस ऑफ करेंगे और इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। देखिए, अब हमने गैस ऑफ की है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक चीज और, सर्विंग करने से पहले आप या तो सर्व करके भी पनीर के पीसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप एक बार इसमें पनीर डाल के कढ़ाई में और इसको मिलाने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म वेज चाउमीन रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।